डिफरेंस अमंग के इस वीडियो में बात इंडिया और चीन की नेवल पावर की, यानी पानी में कितने ताकतवर हैं दोनों देश उसकी। और नेवल पावर में भी इस वीडियो में खास तौर से बात होगी भारत और चीन की पनडुब्बी यानी सबमरीन पावर की। जानेंगे कौन किस पर भारी है और भारत की कितनी तैयारी है। हिंद महासागर में भारत दशकों से एक छत्र राज करता आया है, लेकिन अब चीन की चालबाजियों से भारत को हिंद महासागर में कड़ी टक्कर मिल रही है। चीन अकेला ही भारत को घेरने की कोशिशें नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तानी नेवी को भी मजबूत कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर भारत को समुद्र में घेरा जा सके। अप्रैल 2015 में पाकिस्तान सरकार ने 8 सबमरीन चीन से खरीदने का फैसला किया था, जिनमें से 4 को कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाया जाना था। ये डील $5 बिलियन की थी। हालांकि अब तक एक भी सबमरीन पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हुई है। पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को 8 युआन क्लास सबमरीन डिलीवर होने वाली हैं, जो चीन उसे 2028 से पहले डिलीवर कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान से तत्काल में भारत को कोई सबमरीन थ्रेट नहीं है, लेकिन जल्द ही खतरा बढ़ने वाला है। और अब बात करते हैं भारत की तैयारी की। जब खतरा बढ़ेगा तो भारत कितना तैयार होगा, अभी भारत की कितनी तैयारी है और क्या भारत चीन और पाकिस्तान दोनों की नेवी से एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है भी या नहीं। बीते 6 साल में भारत को 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिली हैं, जो पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित हैं। ये 5 हैं INS कलवरी, जो 2017 में मिली, 2019 में मिली INS खंदेरी, INS करंज भारत को 2021 में मिली, इसके बाद भारत को मिली INS वेला, और इसी साल यानी 2023 की जनवरी में भारतीय नेवी को मिली 5वीं सबमरीन, जिसका नाम है INS वागीर। इन 5 सबमरीन्स को भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया है। अब ये प्रोजेक्ट 75 क्या है ये भी जान लीजिए। इंडियन नेवी को आधुनिक बनाने के लिए 1997 में प्रोजेक्ट 75 लाया गया। फिर अक्टूबर 2005 में फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ डील हुई, जिसके तहत तकनीक ट्रांसफर के जरिए ये सबमरीन बनाने पर मोहर लगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 सबमरीन बनाई जानी थी, लेकिन डील फाइनल होने के 17 साल बाद भी 6 सबमरीन इंडियन नेवी को नहीं मिल सकी हैं। 6ठी सबमरीन INS वागशीर के अगले साल 2024 में नेवी को मिलने की उम्मीद है। 1997 में प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था और प्रोजेक्ट पूरा होगा 2024 में, यानी 26 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा भारत को 6 सबमरीन मिलने में। अगर 2005 से भी बात करें तो भारत को एक सबमरीन हासिल करने में करीब 3.2 साल का वक्त लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा वक्त है। और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ये सभी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं। अब चीन की बात करते हैं। 2022 की पेंटागन की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन ने पिछले 15 साल में 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, जिसमें न्यूक्लियर पावर जनरल पर्पस अटैक सबमरीन, जिन्हें SSN सबमरीन भी कहते हैं, वो हैं, और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी हैं, जिन्हें SSBN कहा जाता है। यानी चीन को हर न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने में करीब 8 महीने का ही वक्त लगा है। भारत का प्रोजेक्ट 75 2012 में पहली सबमरीन मिलने से शुरू होकर 2017 में 6ठी सबमरीन मिलने पर खत्म हो जाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 6 साल की देरी हो रही है। जिस डेडलाइन पर प्रोजेक्ट खत्म होना था, उस डेडलाइन पर तो भारत का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी सबमरीन 2017 में मिली। भारतीय नेवी में अभी 17 सबमरीन यानी पनडुब्बियां हैं, जो पश्चिम में मुंबई और पूर्व में विशाखापट्टनम में तैनात हैं। भारत के पास एक न्यूक्लियर पावर्ड SSBN सबमरीन है, जबकि 16 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं। 7 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भारत ने रूस के सहयोग से बनाई, 4 शिशुमार क्लास सबमरीन जो जर्मनी के साथ मिलकर बनाई गई, जबकि बाकी 5 को फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत की एकमात्र SSBN है INS अरिहंत, जिसे 2016 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया और 2018 से ये सबमरीन एक्टिव ड्यूटी पर है। एक और न्यूक्लियर पावर्ड SSBN INS अरिघाट पर भारत अभी काम कर रहा है और ये अगले साल 2024 तक बनकर तैयार हो सकती है।
अब ये भी जान लीजिए कि SSBN और SSN सबमरीन क्या होती हैं। SSBN होती है वो सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होती है। ये फर्स्ट अटैक सबमरीन नहीं होती, बल्कि ये सेकंड अटैक सबमरीन होती हैं। यानी इन्हें इस्तेमाल करने के लिए पहले टारगेट का पता होना जरूरी है। दूसरी होती है SSN सबमरीन, इन्हें अटैक सबमरीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्स्ट अटैक सबमरीन होती हैं, यानी हमला होते ही ये पलटवार के लिए तैयार रहती हैं। SSBN के मुकाबले SSN सबमरीन ज्यादा तेज रफ्तार से चलने में सक्षम होती हैं। अभी भारत के पास एक SSBN सबमरीन है, जबकि SSN सबमरीन एक भी नहीं। और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की खासियत ये होती है कि ये कई महीने तक समुद्र के नीचे रह सकती हैं, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को थोड़े थोड़े दिन बाद सतह पर आना होता है। और जब ज्यादा वक्त तक पानी के नीचे रहेंगी तो न्यूक्लियर सबमरीन्स की लोकेशन पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत को एक SSN सबमरीन रूस से 10 साल की लीज पर मिलने वाली है, लेकिन ये भारत को मिलेगी साल 2025 में। यानी अगले 2 साल तक भारत के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं होगी। अब बात चीन की करते हैं और चीन की सबमरीन फ्लीट के बारे में जानते हैं। अभी चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 79 सबमरीन हैं, जबकि अमेरिका का नंबर दूसरा है जिसके पास 68 सबमरीन हैं। 2019 में अमेरिका के कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट को आधार माने तो चीन के पास 4 न्यूक्लियर पावर्ड SSBN हैं, जबकि 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन हैं। इसके अलावा चीन के पास 50 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स भी हैं। और एक रिपोर्ट कहती है कि चीन के पास 2030 तक 76 ऑपरेशनल सबमरीन्स होंगी, क्योंकि उसकी कुछ सबमरीन रिटायर होने वाली हैं, जबकि कुछ नई सबमरीन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के फ्लीट में जुड़ने वाली हैं। 2030 तक चीन के पास 8 SSBN होंगी, जबकि 13 SSN और 55 SSK यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी। यानी चीन की सबमरीन फ्लीट भारत की सबमरीन फ्लीट से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। अब एक और आंकड़ा जान लीजिए। चीन की SSBN सबमरीन्स में JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हैं, जिनकी रेंज 7200 किलोमीटर तक है, जबकि भारत की एकमात्र SSBN सबमरीन INS अरिहंत है। इसमें K-15 मिसाइल लगी है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी कम है। अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तकनीक में भी भारत काफी पीछे है। चीन के पास जो युआन क्लास सबमरीन है, वो सबमरीन के अंदर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बिजली बनाकर अपनी बैटरी चार्ज करने में सक्षम है और उन्हें 15 दिन तक सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भारत की सबमरीन्स की बैटरी डिस्चार्ज होने पर उन्हें डीजल जनरेटर चलाकर चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए सबमरीन को हर 2 दिन में एक बार सतह पर आने की जरूरत पड़ती है। चीन से पाकिस्तान को भी AIP इनेबल्ड युआन क्लास सबमरीन ही मिलने वाली है, और पहली सबमरीन इसी साल दिसंबर में पाकिस्तान को मिल सकती है। ऐसे में भारत की स्थिति चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर हो जाती है। यानी युद्ध की स्थिति में भारत की परेशानी कागजों पर बढ़ी हुई दिख रही है। और उससे भी चिंता की बात है भारत का सबमरीन निर्माण में देरी लगाना। अब ये जान लेते हैं कि भारत को आखिर सबमरीन निर्माण में चीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। और इसका पहला जवाब है डिफेंस बजट में कमी। चीन का 2023 का डिफेंस बजट है $225 बिलियन, जबकि भारत का 2023 का डिफेंस बजट है $72.6 बिलियन। यानी भारत के बजट से करीब 3 गुना ज्यादा बजट चीन के पास है, और ये कमी कई दशकों से बरकरार है। भारत के इस डिफेंस बजट में 1.62 लाख करोड़ तो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी नई तकनीक और नए निर्माण के लिए ही रखा गया है। इसी बजट में भारत को हथियार खरीदने हैं, एयरक्राफ्ट्स खरीदने हैं और जंगी जहाज भी खरीदने हैं, और इसी बजट से ही मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना है। तो जाहिर है भारत की नए निर्माण की गति चीन के बराबर तेज नहीं हो सकती, लेकिन ये अगले कुछ वर्षों में तेज हो जाएगी। S&P की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तब भारत के पास मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा पैसा मौजूद होगा। चीन के साथ चल रही बॉर्डर टेंशन के चलते भारत के डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा, जो अभी बॉर्डर पर सड़कें और सुरंग बनाने में खर्च हो रहा है, लंबी दूरी की मिसाइल डेवलप करने में खर्च हो रहा है, वो भी तब तक कम हो जाएगा, क्योंकि तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका होगा।
लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन भी शुरू कर दिया है। 2019 में भारत ने प्रोजेक्ट 75i शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की कंपनियां विदेशी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर हाई एंड प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का निर्माण करेगा। इन सभी 6 सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी वही तकनीक जो अभी चीन की युआन क्लास सबमरीन्स में लगी है। अब यहाँ ये जानना अहम है कि अगस्त 2023 तक तो भारत वो कंपनी ही फाइनल नहीं कर सका जिसके साथ पार्टनरशिप करके भारतीय कंपनियां अपने देश में इन सबमरीन का निर्माण करेंगी, यानी विदेशी पार्टनर अभी तय नहीं हुए हैं। और भारतीय नेवी चाहती है कि 6 सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 5 साल के अंदर पहली सबमरीन डिलीवर हो जाए, लेकिन 2017 में प्रोजेक्ट 75i को पहली सहमति मिलने के बाद 6 साल बीत चुके हैं और अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के आसपास भी भारत नहीं खड़ा है। भारत ने जो कड़ी शर्तें प्रोजेक्ट 75i के लिए रखी हैं, उनके लिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यानी ये सबमरीन भारत को स्क्रैच से ही तैयार करनी होंगी। इस पर भी विदेशी कंपनियों की तरफ से यदि डिले होता है तो उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जिसके बाद फ्रांस, रूस और साउथ कोरिया ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब सिर्फ 2 कंपनियां जर्मनी की थाइसेनक्रुप और स्पेन की नेवांतिया के साथ ही भारत की वार्ता जारी है, जो जुलाई 2023 से चल रही है। भारत की मौजूदा सबमरीन फ्लीट पुरानी होती जा रही है, जिसे जल्द बदलने की जरूरत है। इसके बीच एक और चुनौती भी भारत के सामने है, वो समस्या है भारत की जानकारियां लीक हो जाना। उदाहरण के तौर पर अगस्त 2016 में एक रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि भारत और फ्रेंच सबमरीन कितनी कैपेबल हैं। इसकी पूरी जानकारी लीक हो गई, यानी ये कितनी रफ्तार पर कितनी तेज आवाज करती हैं, कितनी गहराई तक समुद्र में जा सकती हैं और इनकी रेंज कितनी है, सब कुछ 22,000 पेज की लीक रिपोर्ट से बाहर आ गया। यहाँ तक कि इन सबमरीन्स में इंटेलिजेंस जुटाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है उसकी जानकारी भी लीक हो गई। हालांकि भारत का कहना है कि सबमरीन्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। 2030 तक भारत का प्लान है कि उसके पास कम से कम 24 सबमरीन हो, जिनमें से 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो। चीन और पाकिस्तान दोनों को रोकने के लिए इतनी सबमरीन्स की कम से कम जरूरत है, और इन सबमरीन्स को यदि भारत को पाना है तो उसे प्रोजेक्ट 75P को पूरी रफ्तार के साथ पूरा करना होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत को अपने SSN प्रोग्राम को हर हाल में शुरू करना होगा। इसमें और देरी खतरनाक हो सकती है। चीन को समुद्र में रोकने के लिए भारत को हर हाल में अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटी बढ़ानी ही होगी।